ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। चुनाव संपन्न होने के बाद सरगुजा कलेक्टर ने शहर का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मातहत अधिकारियों को अतिक्रमणों को हटाने के लिए निर्देश दिए। सरगुजा कलेक्टर कुमुदन कुमार ने गुरुवार को प्रशासनिक अधिकारियों के साथ शासकीय मेडिकल कॉलेज सहित कई जगहों का भ्रमण कर वहां व्याप्त व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान कलेक्टर ने शहर में लचर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के साथ अतिक्रमणों को हटाने सहित सड़क और नालियों की नियमित सफाई के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। प्रशासन के लिए पूरा प्रशासन, जिला प्रशासन, निगम प्रशासन, राजस्व के सभी अधिकारी कर्मचारी, हम लोग करीब पिछले 3 घंटे से सवेरे से भ्रमण कर रहे हैं और इसका मूल उद्देश्य जो है वो लोगों की सुविधा को बढ़ाना, जो रोड पे जो अव्यवस्था है, रोड पे जो ट्रैफिक की व्यवस्था, उसको ठीक करना। तो प्रथम चरण में हम लोग यहाँ पर जिला अस्पताल के सामने गाड़ियों का और ठेलों का ये अतिक्रमण लगातार बना रहता है, उसको देखते हुए पिछले 1 हफ्ते से निगम प्रशासन और जिला और राजस्व के लोग लगातार यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं, लोगों को समझाइश दे रहे हैं। तो क्योंकि ये दोबारा बैक टू नॉर्मल पोजीशन में ना आ जाए, इसके लिए हम लोगों ने टेम्प्रेरी जो पार्किंग ग्राउंड में है वहाँ पे हमने व्यवस्था दी है और यहाँ पे कुछ बिजली की व्यवस्था में ट्रांसफार्मर को शिफ्ट करने का प्रयास किया गया। आप देख सकते हैं कि ये कभी भी जो है वो डेंजरस हो सकता है। तो कुल मिला के एक व्यवस्थित प्रयास करने के लिए, और इसमें लोगों की भी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके मुझे लगता है कि जो ई रिक्शा हैं या ई टेम्पो वाले हैं वो कहीं पे भी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, तो लगातार उसमें हम कार्रवाई करते रहेंगे। पूरा जो एरिया है 200 मीटर का वो नो वेंडिंग जोन, नो पार्किंग जोन डिक्लेयर किया जाएगा और ये हमेशा रहेगा, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरा जो है, हम लोगों ने नालियों की सफाई का काम देखा, निगम उसमें अलग अलग पॉइंट्स पे, लेकिन सफाई नहीं हो पा रही है क्योंकि वहाँ अतिक्रमण हो गया है, दुकान वालों ने पूरा रोड तक बना लिया है, तो उसमें नोटिस जारी करके करेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने रोड में जो सफाई, साफ सफाई के अलावा बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे दुकानें लगी हुई हैं और ठेले लगे हुए हैं, और शाम के समय खास करके आप देखे होंगे आकाशवाणी चौक पे कुछ ठेले वाले अंडे वाले खड़े रहते हैं वहाँ पे पूरी दुकान पे, तो वैसे लोगों को बिल्कुल वहाँ से शिफ्ट किया जाएगा और उनको सही जगह पे, सही वेंडिंग जोन पे रखा जाएगा। तो पुलिस की व्यवस्था भी बदस्तूर जारी रहेगी, ट्रैफिक के 2 लोगों का लगातार ड्यूटी लगा रहेगा और ये व्यवस्था जो है वो चलती है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।